पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी से मेरी बात हुई आज सवेरे। उन्होंने बताया कि आज के युग में अग्नि परीक्षा बहुत देनी पड़ती है। एक बात बताऊं मेरी माँ, हमारे ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से हमारे सनातन धर्म में आज भी विशेष प्रकार की शक्तियां आज भी मौजूद हैं। कोई विलीप करे ना करे, परंतु आज भी शक्तियां हैं और इन शक्तियों को आप केवल भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कीजिए। पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आज के इस युग में, इस स्वतंत्र भारत में लोग बहुत पीछे पड़ जाते हैं बदनाम करने के, छवि खराब करने के, लेकिन जिसको बचाने वाले भगवान हो उसका बाल भी वहां का कोई नहीं कर सकता। पूज्य महाराज श्री ने कहा कि जब वो वृंदावन आएंगे तो गौरी गोपाल आश्रम जरूर आएंगे। उन्होंने कहा कि आप भी आइए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से, बिना स्वार्थ के केवल सनातन की सेवा की है। और सनातन की सेवा यही तो है। आप लोगों को कथा सुनाकर देखो, हनुमान जी के पास कितनी सिद्धियां थी, कितनी सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, लेकिन वो हनुमान जी सदा राम जी के चरणों में बैठे रहते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि स्वामी जी चाहे ये दास अनिरुद्ध